अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विलाल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील खासगी अंजुमन अँग्लो उर्दू प्राथमिक शाळेला कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना फार मोठ्या हालअपेष्टा सहन करत शिक्षण घ्यावे लागत आहे। तर या शाळेची इमारत जीर्ण झाली असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका देखील उद्भवण्याची दाट शक्यता आहे। याकरिता या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी गटशिक्षण अधिकारी यांना या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाकडून विविध योजना व अधिनियमांचा लाभ मिळवून देण्याबाबतचे तसेच संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी निवेदन सादर करून केली आहे। अभिषेक अहलेकर यहाँ पे स्कूल में देखने के लिए आया था भाई, बच्चों को क्या क्या कराते क्या पढ़ाते। यहाँ पे पानी का सर पानी की टाँकी रहती है, यहाँ पे पानी की टाँकी रहते, बच्चों को पानी पिलाते, बोरिंग का पानी की टाँकी बोरिंग का पानी पिलाते बच्चों को। ये ऑफिस है मैडम का, यहाँ पे इतने टाइम टारा लगा लगा हुआ रहता, मैडम यहाँ स्कूल में नहीं आती, ऑफिस की चाबी बाहर के लेडीज के पास में। यहाँ पे पत्रे है स्कूल के, यहाँ पे शेड डाला हुआ है बच्चों के लिए, बहुत जूना पुराना शेड हुआ है। आप उसकी दीवारें देख लीजिए, ऐसी दीवारें गिरने वाली, शादी मोजर हो गए। आगे बढ़ते स्कूल में नहीं, यहाँ से बता ये आगे है, ये आगे स्कूल हाल देखिए कैसा हो रहा है। हाँ आगे यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए चटाया वटाया कुछ भी नहीं है, बच्चे सब टोटल बच्चे जमीन पे बैठते हैं। और ठंडी का मौसम है, सुबह 7 बजे से बच्चे आते हैं यहाँ पे, छाए जमीन पे बैठते हैं। मेरे को तो आज बिछाएगा, आज कल में बिछाएंगे, बाकी बच्चों के लिए का बिछाए वो तो कल मैंने एक्शन लिया तब आए चढ़े। और पालक समिति बनाने का बोला मैडम को, तो बोलती नहीं हमने बना ली है पालक समिति। आज हम निवेदन देने के लिए गट शिक्षण अधिकारी तरफ आए हुए, अंजुमन तरक्की तालीम दोहरा है ना, दोबारा संचालित, इसमें जो है बहुत गड़बड़ है। अरे सर, हमने यहाँ जो पानी की सुविधा रखी है, इससे हमने 10 घंटे हमारी इमारत एकदम खराब हो चुकी है और वो कब भी गिर सकती है, उससे बच्चों का नुकसान हो सकता, बच्चे मर सकते, उनका जानी नुकसान हो सकता। वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बच्चे सुगर प्लेटें जाग रहे हैं, और बच्चे जब खाना खाते हैं तो वहाँ जो है सुगर आ जाते हैं। और दूसरी बात वहाँ जो शौचालय की सुविधा नहीं है, और जितने भी यहाँ सब लिखा हुआ है ये 15 विषय है हमारे, और ये सब शिक्षण गढ़ शिक्षण अधिकारी साहब को दिए। अब गढ़ शिक्षण अधिकारी साहब से
उम्मीद है कि आगे कार्रवाई करेंगे बच्चों का। और वहाँ से भी सब लोग कल गए थे मुख्य अध्यापक से बात करें कि वहाँ पालन संघ बनाओ, लेकिन उन्होंने नहीं बोले। और चांदा पटेल साहब से बात हुई, लेकिन कुछ आने को तैयार नहीं, ये सब दादागिरी कर रहे हैं। इसके लिए ये हमारा निवेदन है। मैं राहुल शेख, मैं एंग्लो उर्दू प्रातदिन में पालक हूँ। मेरा लड़का दूसरी क्लास में है और हम सभी पालक का एक प्रतिनिधि मंडल गढ़ शिक्षा निगम टाइप से मुलाकात की और हमने उस शाड़ा की जो वह परिस्थिति है उसके बारे में साहब से बात की कि जो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षणाचा अधिकार 2009, तो उसके जो मानके और परमानके है उसकी पूर्तता वो शाड़ा में नहीं है। वॉल कंपाउंड नहीं है, संरक्षण भीत नहीं है और बच्चे ज़मीन पर बैठ रहे हैं। अभी ठंडी का मौसम है और बच्चों के लिए ना चटाई का इंतज़ाम है ना बेंच का इंतज़ाम है। और शासन ने जो ये कायदा बनाई है भाई शिक्षणाचा अधिकार, इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और हम एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि भाई जब वो शाड़ा में RTE के जो मानके परमानके है उसकी पूर्तता नहीं है, तो शिक्षण अधिकारी जो है हमारे जिला परिषद की, उन्होंने RTE प्रमाण पत्र उन्हें दिया कैसे क्या? RTE प्रमाण पत्र जो है वो हर 3 साल में सादर करना पड़ता है। तो हमने गढ़ शिक्षा अधिकारी साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई अभी जो RTE प्रमाण पत्र का प्रोसेस शुरू है तो आप उनकी सिफारिश ना करें। और दूसरी बात कि बच्चे जब शाले पोषण आहार खाना जो मिड डे मील है वो खाते हैं तो आजू बाजू डुक्कर घूमते हैं। और जो शौचालय है उसको शासन तरफ से 2 लाख रुपये अनुदान आया था अल्पसंख्यक पायाभूत सोई सुविधा अनुदान अंतर्गत, लेकिन वो शौचालय इनकम्प्लीट है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से बच्चे बाहर पेशाब करते हैं। ऐसे बहुत से वहाँ की भाई प्रॉब्लम है जो हमने गढ़ शिक्षा साहब के सामने रखे हैं। अब देखते हैं शासन क्या कार्रवाई करती है। ऐसा हमारा पालक लोग है प्रतिनिधि मंडल यहाँ पंचायत समिति में आया और साहब से मुलाकात। थैंक यू। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।